Everybody and welcome back to Eskimonicus and we're back again with JEE Main का question paper of 2022 and again आज हम लोग shift first से question solve करेंगे. This is the first question of the video जो कि basically again projectile motion से related है. This question is कि the body is projected 10 meter per second the angle of projection at 30 degree find range. So that's our question. यहाँ पे हमारे पास एक image given है. समथिंग लाइक दिस एक काइंड का फिगर है 30 डिग्री. एक बॉडी को हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया, इसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसे फॉलो हुई एंड फिर हमें क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है. इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री गिवन है, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. हाँ तो हमें इस बेसिकली क्वेश्चन में क्या बताना है, रेंज बताना है ऑब्वियसली मीटर्स में, SI यूनिट्स में. ऑप्शन ए है हमारा 10/3, ऑप्शन बी 20/3, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी फाइनली 40/3. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एज वी नो रेंज, रेंज इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट, द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं. सो यू एक्स टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ ए एक्स टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वेयर. यहाँ पे पॉजिटिव एक्चुअल में होगा बट सिंस वी नो द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इटसेल्फ इज नेगेटिव, राइट, दीज आर द एक्सेस दैट वी आर चूजिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इवन द एक्स एक्सेस अलोंग दिस इंक्लाइन. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज सिंपली 2u साइन ऑफ 30 डिग्री द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ओवर g का यहाँ पे कॉम्पोनेंट प्लेन है, g cos 30 डिग्री, राइट, दैट इज द थिंग वी आर यूजिंग राइट हियर. ये g cos 30 डिग्री होगा. अब बेसिकली हमें क्या करना है, ये तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ये क्या होगा, यू एक्स यानी कि यू cos 30 टाइम्स में टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन 30 ओवर g cos 30 माइनस हाफ हो गया g इसका कॉम्पोनेंट साइन 30, राइट, टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वेयर. सो 2u साइन 30 ओवर g cos 30 का स्क्वेयर, राइट, दैट इज द थिंग. तो पहले तो cos 30 से cos 30 कैंसिल हो गया एंड देन दर वी हैव कि r हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, इट इज 2u स्क्वेयर साइन 30, ये फर्स्ट वाला टर्म. साइन 30 क्या है, दैट इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हियर सिंपली u स्क्वेयर बाय g, सो दैट्स 100/10, u इज 10, रिमेंबर. ये माइनस में हो गया हाफ, हाफ व्हाट, हाफ में इनटू में 10 हो गया, यहाँ पे लेट मी राइट इट, इनटू में साइन 30 1/2 हो गया, टाइम्स में 2u साइन 30 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 इनटू में 10 साइन 30 बाय g cos 30 का स्क्वायर. ये तो 10 हो गया बेसिकली. यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दिस थिंग इज 2.5, ये तो 2.5 हो गया, यहाँ पे साइन 30 इज व्हाट 1/2, सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज सिंपल प्लेन 1. तो यहाँ पे अब ये हो गया 10 का स्क्वेयर 100 ओवर में 10 cos 30 यहाँ पे आ रहा है. cos 30 इज व्हाट √3/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, 5√3 हुआ, सो दिस इज सिंपली व्हाट 10 हुआ 5√3 का स्क्वेयर, दैट इज 2/√3 का स्क्वेयर, सो दैट्स 4/3. सो ये बेसिकली क्या आ रहा है, गेस दिस इज रादर 40/3 इनटू में, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग टू राइट दिस टर्म, ये भी यहाँ पे 10 माइनस में 40/3 इनटू ये हो गया 2.5, सो दिस इज 10 माइनस में हो गया 10/3 एंड दैट इज व्हाट, ये हो गया हमारा 20/3 इन मीटर्स. ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है. सो बेसिकली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए 10/3, दैट्स रॉन्ग, ऑप्शन बी 20/3, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है. सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसके आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 1, 2, 2, 3 ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ वेक्टर एफ इक्वल्स एफ एक्स स्क्वेयर आई कैप प्लस 3y³ जे कैप, दैट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हमने एक फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट पे विच इज एफ एक्स 4x² आई कैप प्लस 3y³ जे कैप, प्लेन में फोर्स एक्ट कर रहा है, मैं क्या बताना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब ये ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस होगा. ये ब्लॉक होगा एक पोजिशन वेक्टर
कॉस्ट क्या है? ये आई कैप प्लस टू जे कैप, एंड सेकेंड वाली पोजिशन वेक्टर क्या है? टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, राइट? इतना फोर्स लगाया, क्या निकालने? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली द वर्क डन बाय दिस फोर्स, क्योंकि सिंपली यही फोर्स एक्ट करेगा, दैट्स व्हाट वी आर अज्यूमिंग. तो हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं. वर्क डन क्या है? वेक्टर एफ डॉट वेक्टर आर, डेल्टा वेक्टर आर. जब फोर्स वेरिएबल है एज इट इज राइट हियर, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल fy dy, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज व्हाट, ये हो गया पहले तो इंटीग्रल, x वाले कंपोनेंट को ले लेते हैं, सो ये हो गया 4x स्क्वायर dx, एंड कहां से कहां तक? x में ये गया है फ्रॉम 1 टू 2, प्लस में ये हो गया इंटीग्रल कहां से कहां तक? या दिस हैज गॉन फ्रॉम 2 टू 3, एंड दिस इज 3y क्यूब dy. सो इसको सिंपली क्या लिखेंगे? दैट इज 4x क्यूब बाय 3, एंड दिस इज फ्रॉम 1 टू 2, एंड प्लस में हो गया 3y पार 4 बाय 4 2 टू 3. Now what we have to do is just do simple normal calculations. ये हो गया हमारा x का cube, that is first of all यहाँ पे रखेंगे 2 को, so that is 8 हो गया, 4 8 जा 24, so here's divided by 3, that's 8. 8 minus में what? 8 minus 4 over 3, and फिर plus में यहाँ पे हो गया 3 by power 4 by में 4, तो पहले तो यहाँ पे 3 को रख लेते हैं, so that's 3 के 3 का पावर 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81, एंड हियर्स 3 इंटू 81, दिस वन सीम्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स राइट इट दिस वे, डिवाइडेड बाय में 4 माइनस में 3 इंटू में 2 का पावर 4 16 ओवर 4, राइट? तो ये हो गया हमारा सिंपली 8 माइनस 4 ओवर 3, यहाँ पे अपन 3 हो गया, हियर्स 20, 4 माइनस 4 सो दैट्स 20 ओवर 3, प्लस में हो गया हमारा 3 इंटू 81 ओवर 4 माइनस 3 इंटू 16 ओवर 4. सो हियर्स व्हाट, 3 ओवर 4 को बाहर ले लेते हैं, 81 माइनस 16, या एंड देन द थिंग्स गेट्स रियली इजी. 20 बाय 3 प्लस में 3 ओवर 4 इंटू 11 माइनस 6, ये हो गया 5, एंड 7 माइनस 1 एंड दैट 6, सो 65 इंटू 3 ओवर. So this is just simple normal calculation. This will be rather 45 something. Yeah. So that's option A. Kya hai? 58.08 joule. That is just incorrect. Option B kya hai? Option B is 45.08 joule. That is guess. No, this is something like 58.08 joule. Yeah, that is the thing. So hamara jo right answer hai, this is near about 58 joule. Kaun sa option correct hai? That is the option number A. Well, did I even begin it? Yeah, I began it from here. So, यहाँ पे option A हमारा correct option है in the second question that we have solved right in this video. And that is all for today. And thanks to you always. And Jai Hind, Jai Bharat.